हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आज सास्केचवान में। जैसे कि आपको पता है, पहले वाला जो व्लॉग है हमारा, आपने देखा होगा मेरा इंस्टाग्राम पे, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान कवर किया था। तो अगर मैं कैंपस में तो अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वेकेशन चल रहा है, कॉलेज पूरा खाली है, कोई नहीं है अभी यहाँ पर। और अगर सास्केचवान पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें तो स्किलफुल ट्रेड कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं, जो कोर्सेज के साथ आपकी लाइफ बन सके, जो कोर्सेज के साथ आप में स्किल आ सके, जो कोर्सेज के साथ आप इंडस्ट्री सेक्टर को डोमिनेट कर पाओ। मेरी सुबह से 3-4 बच्चों से बात हो चुकी है सास्केचवान पॉलिटेक्निक के बारे में, किसी ने गलत रिव्यू नहीं दिया है, राइट। सबने यही बोला है, बाजी बेस्ट है, बच्चे को डेफिनेटली आना चाहिए। और ये मेन रोड है सास्केटून सिटी का, एयरपोर्ट से यही रास्ता आता है, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, मज़ा आता रहने का, फन सिटी है, छोटी है। हाँ, ठंडी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर, बट उसके और दूसरे फायदे हैं, राइट। पीआर जल्दी हो जाता है आपका, एफोर्डेबल लिविंग है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आज सास्केचवान में। जैसे कि आपको पता है, पहले वाला जो व्लॉग है हमारा, आपने देखा होगा मेरा इंस्टाग्राम पे, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान कवर किया था हमारे स्टूडेंट करण आहूजा के साथ में। और यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान इधर है, सास्केचवान पॉलिटेक्निक इधर है। अभी मैं आपको जो लेके आया हूँ वो कैंपस है सास्केचवान पॉलिटेक्निक, मीन्स कॉलेज है यहाँ पर, बहुत अच्छी खासी भारी भरकम कॉलेज है। जो सास्केचवान सिटी, मतलब सास्केचवान स्टेट और जो सास्केटून सिटी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्टूडेंट सिटी है। 4 लाख की पॉपुलेशन में 80,000 जितने जो है वो अपने स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट सिटी माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सास्केचवान पॉलिटेक्निक में भी है और बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान में भी है। अभी मैं बात करूँ, यहाँ से यूनिवर्सिटी चालू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, कॉलेज, सॉरी, सास्केचवान पॉलिटेक्निक यहाँ से चालू होती है, राइट, ये पार्किंग से। फिर अभी मैं दिखाऊंगा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान जाने का रास्ता, और उसी रास्ते में आती है हमारी ये सास्केचवान पॉलिटेक्निक। ये है सास्केचवान पॉलिटेक्निक, इधर से अगर आप सीधा चले जाओगे या तो उस बाजू से जाओगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान आएगा, जो मैंने आपको सुबह इंस्टाग्राम पोस्ट पर दिखाया था। तो अगर मैं कैंपस में तो अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वेकेशन चल रहा है, कॉलेज पूरा खाली है, कोई नहीं है अभी यहाँ पर। ये कॉलेज है पूरा, आगे भी है बिल्डिंग, ट्रीज के पीछे उधर भी मैं लेके चल रहा हूँ। ये इनका जो है पूरा पार्क है, क्लासेस यहाँ पे भी होती है, राइट। और अगर सास्केचवान पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें तो स्किलफुल ट्रेड कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं, जो कोर्सेज के साथ आपकी लाइफ बन सके, जो कोर्सेज के साथ आप में स्किल आ सके, जो कोर्सेज के साथ आप इंडस्ट्री सेक्टर को डोमिनेट कर पाओ, राइट। तो ये लेवल के कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। पीछे आप देख पाओगे वो लगा यूनिवर्सिटी, सॉरी, सास्केचवान पॉलिटेक्निक का बोर्ड बोला। और ये है इनका जो कैंपस यहां से चालू होता है, पीछे से भी है जो मैंने आपको दिखाया, ये रहा, ये आ गया आपका कैंपस। और अभी मैं आपको लेके चलूंगा, ये रहा, दिस इज सास्केचवान पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होते हैं, स्किल लेवल के कोर्सेस होते हैं। और अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है, अगर आपको ओंटारियो में नहीं जाना है और 2 साल का प्रोग्राम लेके खुश रहना है, इधर आ जाइए। आँख बंद करके, मेरी सुबह से 3-4 बच्चों से बात हो चुकी है सास्केचवान पॉलिटेक्निक के बारे में, किसी ने गलत रिव्यू नहीं दिया है, राइट। सबने यही बोला है, बाजी बेस्ट है, बच्चे को डेफिनेटली आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, नाम भी अच्छा है और इंडस्ट्री में बहुत नाम अच्छा है कि अच्छा भाई सास्केचवान पॉलिटेक्निक में पढ़े, अच्छा भाई बेस्ट है, तो चलो आ जाओ। तो इंडस्ट्री लेवल की जॉब जो बोलते हैं ना,
ग्राउंड लेवल की जॉब हो गई, जहाँ पर आपको ऑटोमोटिव मैकेनिक हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग लेवल की जॉब्स हो गई, तो वो सब आप चीज़ें बहुत डोमिनेट कर पाओगे। बहुत सारे हर साल इनके नए कोर्सेस आते हैं और हर साल नए कोर्सेस चले भी जाते हैं, तो आपको देखना है कि हर साल कौन से कोर्सेस इनके पास अच्छे हैं जो इंडस्ट्री में डिमांड में है। ये कैंपस ही है भाई, ये पूरा कैंपस है, राइट। इनकी टैगलाइन भी बहुत अच्छी है, टुमारो इन द मेकिंग। अभी हम लोग इनके कैंपस में ही चल रहे हैं, ये रहा। अभी मैं आपको इनकी जो सबसे पुराने बिल्डिंग है उधर लेके चलता हूँ। बाकी करण से पूछते हैं, दो मिनट। करण, ये कॉलेज का रिव्यू क्या है, मतलब आपके पास, आपने बोला कि जैसे कि एक दो फ्रेंड्स हैं, आप जानते हो उनको, उनका रिव्यू, इसका रिव्यू क्या है? सो बेसिकली ये 12th के बाद जो करते हैं, तो यहाँ पे जनरल इलेवन जो इंडिया से आते हैं वो ज्यादातर डिप्लोमा के कोर्स ही होते हैं यहाँ पे, एडवांस डिप्लोमा और जो नॉर्मल डिप्लोमा 2 साल का होता है। और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जब हाई स्कूल कम्प्लीट करते हैं तो सीधे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो लोग बैचलर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे तब जाके यहाँ पे आते हैं। जबकि जब जो इंडियंस होते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि फाइनेंशियल रीजन के कारण वो लोग यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर पाते और यहाँ पे आते हैं। तो ये डिफरेंस है, अच्छी कॉलेज है आउट से, और आपको इंडियंस कम्युनिटी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आपको इंडियंस यहाँ पे मिलेंगे फॉर श्योर, राइट। सो इनके साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं, रह चुके हैं सास्केच्वान पॉलिटेक्निक के। जैसे कि इन्होंने बताया आपको कि कैनेडियन स्टूडेंट्स भी बहुत इधर के लोकल स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग है इनकी आइकॉनिक, आप अगर गूगल में ओपन करोगे सास्केच्वान पॉलिटेक्निक तो ये बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, ये रही। सास्केच्वान पॉलिटेक्निक सास्काटून कैंपस। सास्केच्वान एक प्रोविंस है, सास्काटून एक सिटी है, और वो ही सबसे अच्छी सिटी है यहाँ पर सास्काटून में, सास्केच्वान में सास्काटून ही सबसे अच्छी सिटी है, ये रहा। बहुत बड़ा है, इतना ही पीछे है, बट देख रहे हो कोई भी नहीं है, जा नहीं सकते हम लोग अंदर। बाकी यस, आ जाएंगे एक दो महीने में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर जब भी हम लोग कैनेडा आएंगे तभी अगर सास्केच्वान आना हुआ तो अंदर से भी कैंपस बताएंगे, या तो वो जो स्टूडेंट आएंगे उनको बोलेंगे कि भाई आप बना के भेजो वीडियो, सो देट हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग बता पाए। जितना मैंने आपको आगे से दिखाया उतना ही इनका पीछे भी कैंपस है, राइट। ये भी पार्किंग है, सास्केच्वान पॉलिटेक्निक की पार्किंग है ये भी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मैं वर्ल्ड एजुकेशन टूर पे हूँ, जहाँ पर 100 कैंपस मैं कवर कर रहा हूँ, जहाँ पर अपने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा हिम्मत दीजिए मुझे 100 से 200 जाने पे। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तो आपको रोज़ पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, कौन सी कॉलेज में जा रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। ये बैकयार्ड आ गया, ये देखो वो एल्स, ये पूरा कैंपस है। तो गाइस, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी मेरा चैनल अमृतपालो विजन, और फॉलो कर दीजिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अमृतपालो विजन। रोज नई सिटीज में जा रहा हूँ, फ्लाइट्स पकड़ चुका हूँ, बहुत सारे 30+ कैंपस टूर्स हो गए हैं, और 50 फ्लाइट पकड़नी है भाई पूरे वर्ल्ड में। US ख़त्म हो गया, कैनेडा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी 27th को UK जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी होगी आपने।
और यूके में हम लोग कवर करेंगे यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर अमृतपाल विजन के बच्चे हैं, स्कॉटलैंड में कवर करेंगे, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मज़ा करवाऊंगा आपको पूरा टूर में। ये देखिए बैक साइड कैंपस का, बड़ा है भाई, अच्छा कैंपस है, नाम अच्छा है, कैंपस तो ठीक है, नाम बहुत अच्छा है, और मैं जो बोलूँगा अच्छा है तो अच्छा है, फिर उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है, राइट। यस, ये था, ये भी हम लोग मिडल में हैं, कैंपस के मिडल में। ये मॉडर्न बिल्डिंग है, ये इनकी आइकॉनिक बिल्डिंग है ट्रेडिशनल। मैंने पूरा आपको दोनों बिल्डिंग का जो है वो राउंड घुमा दिया है, उधर से भी हमने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। और ये मेन रोड है सास्केटून सिटी का, एयरपोर्ट से यही रास्ता आता है, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, मज़ा आता रहने का, फन सिटी है, छोटी है, हाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर, बट उसके और दूसरे फायदे हैं, राइट। पीआर जल्दी हो जाता है आपका, एफोर्डेबल लिविंग है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, हाई हाई नहीं है यहाँ पर, लोगों में बहुत अच्छा नेचर है। आप देख रहे होंगे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, न्यूयॉर्क, टोरंटो, ब्रैम्पटन जैसी, वैनकूवर जैसी, बेस्ट है, कोई टेंशन वाली वस्तु नहीं है, बात नहीं है, थोड़ी बीच में गुजराती भी आ जाती है भाई। सो थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे आपको फिर से टोरंटो में, और उधर जो दो तीन कैंपस बाकी है उसको कवर करेंगे, एंड फिर जाएंगे यूके। मंडे लास्ट दिन है मेरा कनाडा में, और मंडे को ही हम लोग यूके पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंडे सुबह मैं निकलूंगा टोरंटो से, मंडे यूके पहुंचेंगे, और फिर ट्यूसडे से हम लोग चालू करेंगे यूके के कैंपस टूर, स्कॉटलैंड, यूके, और टाइम मिलेगा तो आयरलैंड भी जाऊंगा, दो स्टूडेंट है आयरलैंड में, जाने का मैं सोच रहा हूँ, बट अगर आयरलैंड गया तो मेरे को आगे जर्मनी की टिकट एक्सटेंड करवानी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, सब जो है इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स पहले इंडिया से बोल रहे थे कि सर हम लोग नहीं होंगे उस टाइम पे, तो मैंने आयरलैंड को जो है वो प्लान में नहीं रखा। अभी दे आर सेइंग कि सर आप आओ, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हमको भी बहुत इच्छा है कि आपको इधर घुमाएं, आपको इधर सब दिखाएं, बट प्लान बन चुका है, ट्राई कर रहे हैं एक दो दिन इधर उधर से हटा के हम लोग आयरलैंड जा पाए, लेट्स सी, बताऊंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन कैनेडा, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन US और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अमृतपाल विजन, जैसे कि आप रोज देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ी कम्युनिटी अमृतपाल विजन की यहाँ पर सास्केचुआन में। करण है आपके पास, राइट? Yes, right? Sure. तो करण, अगर आप सास्केचुआन में आते तो करण तो है ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, वैनकूवर में आपको दिखाए कल 6-7 स्टूडेंट, टोरंटो में आपको इतने सारे स्टूडेंट दिखा चुका, US में, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये वर्ल्ड टूर आपको मज़ा आता रहेगा, नए कैंपस देखने मिलेंगे। सो सी यू सून गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज अमृतपाल विजन, बाय बाय।